फिर जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि 12 जुलाई को जब तक हम 15,800 को क्रॉस नहीं कर लेते हैं तब तक हम बुलिश नहीं होंगे। देखिए यहाँ पर बहुत बड़ा गैप अप हुआ लेकिन निफ्टी वहां पर सस्टेन नहीं कर सका और 15,800 को क्रॉस नहीं कर पाया। यहाँ से रेसिस्टेंस फेस करने के बाद निफ्टी में गिरावट हुआ और जो यहाँ पर सपोर्ट था 15,650 का वहां पर सपोर्ट लेता है निफ्टी और यहां पर सस्टेन कर जाता है इस सपोर्ट के ऊपर। तो अब जो अगला सिनेरियो होगा 13 जुलाई को, तो जब तक हम इस सपोर्ट को ब्रेक नहीं करते हैं, सपोर्ट को ब्रेक करते हैं 650 को तो हम 600 पर आ सकते हैं। अगर 600 को ब्रेक करते हैं बहुत तेजी से निफ्टी में गिरावट देखने मिल सकता है जो कि लेकर के निफ्टी को जाएगा 15,530 तक। लेकिन अगर हम फिर से यहाँ पर गैप अप होते हैं तो फिर 15,800 एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस होगा। अगर इसको ब्रेक नहीं करता है तो निफ्टी आपको साइडवेज रहेगा, तो पूरा ओवरऑल हम मार्केट को साइडवेज मानेंगे। अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर हम बुलिश हो जाएंगे और अगर 15,650 को ब्रेक करते हैं तो बेरिश हो जाएंगे। तो कुछ इस तरह का सिनेरियो रहेगा 13 जुलाई के लिए मार्केट का।